हेलो माँ। तानिया, मैं तुम्हें पिछले 2 घंटे से ट्राई कर रही हूँ, कहाँ रह गई थी तुम? तुमसे परेशान करके रख दिया। माँ बस कुछ भी नहीं, आई जस्ट नीड टू रेस्ट। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है और ये तुम्हारा रंग भी पीला हो रहा है। चलो चलो, मैं तुम्हें भी डॉक्टर के पास लेके हाँ, चलती हूँ। नहीं जाना मुझे डॉक्टर के पास, आई एम फाइन, बस आई नीड टू रेस्ट फॉर अ बिट। तानिया, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? मैं कुछ भी नहीं छुपा रही आपसे, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करना है, दैट्स ऑल। अरे अगर मेरा शक ठीक है तो आर यू एक्सपेक्टिंग? व्हाट, आपको ये सब कैसे पता चला? अरे बेटा, अरे बहुत बहुत मुबारक हो, सच अ गुड न्यूज। और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। क्या बकवास कर रही हो तानिया, खुदा की नेमत से ना शुक्रिया अदा कर रही हो। तुमने जुनेद को बताया? क्या करूंगी मैं जुनेद को बता के? भाई जब मैं खुद खुश नहीं हूं तो वो बेचारा बच्चा आके क्या करेगा ऐसे माँ बाप के साथ जो दिल से ही एक नहीं है। बेटा दिल एक कर लो ना, इसमें उस मासूम बच्चे का क्या कसूर अगर तुम दोनों एक नहीं हो पा रहे? भाई मैं तो जुनेद को फोन करके बताने लगी हूँ। बता। माँ, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी जब तक मैं आपको नहीं बोलूंगी, समझ रही है ना आप? से मुझे ना नायाब के मां बनने की खबर पर बड़ी खुशी हुई। शुक्र है, तुम भी किसी की खुशी पे खुश हो। मैं क्यों नहीं खुश होंगी, नहीं मेरी भी तो कुछ लगती है। भाभी ना वैसे ही बदनाम होती है, हालांकि मैंने उसको कभी नन समझा ही नहीं, हमेशा छोटी बहन समझा, इसलिए उस पर रोक टोक करती थी। लेकिन आपको और आपकी दादी को यह बात कभी समझ नहीं आएगी। वैसे मैं बहुत खुश हूं, उस खानदान में औलाद देने का मतलब पता है? करोड़ों रुपया। नायाब के तो ऐश हो गए, और अगर नायाब ने जावियार को बेटा दे दिया तो जावियार तो उसके पैर धो धो के पिएगा, मतलब समझती हो? करोड़ों रुपया, करोड़ों रुपया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं तो कहती हूँ कि हमें जाकर ना एक दफा जावियार से मिल लेना चाहिए, उसको भी तो पता हो, उसको एहसास हो कि नायाब अब अकेली नहीं है, हम उसके साथ हैं, उसके साथ होने वाली हर ज्यादती पर हम आवाज उठाएंगे। तो वहीं से वापस आ जाए, चलते हैं फिर। ऐसे अगर बच्चे के बाद नायाब तलाक लेकर भी आ जाती है ना, हमें ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। साफियार खाली हाथ थोड़ी भेजेगा उसे, करोड़ों की जायदाद और महीने का खर्च भी तो देगा। नायाब के साथ साथ हमारी जिंदगी भी ऐश में गुजरेगी। आप तो बड़ी दूर अंदेश, मैं तो समझा था हाँ मेरी बहन की भलाई जा रही। भलाई सोच रही हूँ मैं उसका, दुश्मन नहीं उसकी। अभी ये सोचा है कि जावियार ने जिम्मेदारी ना उठाई तो वो बच्चा कैसे पालेगी? वो ही ना, भाभियां तो होती बदनाम है। हम है ना उसकी जायदाद और बच्चा संभालने के लिए। करोड़ों रुपए, करो सामान निकलवा के ना अंदर में छोड़ो। इतनी बड़ी खुशी देने जा रही हूं जावियार को, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ये खुशी की खबर सुनने के बाद भी मुझसे नाराज हो? दादी ठीक कहती हैं, बच्चे का सुनते ही जावियार बदल जाएंगे, पहले की तरह मुझसे प्यार करने लगेंगे, मेरा एहसास करने लगेंगे।
क्यों लाया जुनेद उसे वापस? अपनी मर्जी से गई थी तो अपनी मर्जी से वापस आती, नहीं लाना चाहिए तो जुनेद को उसे। यू आर वेरी राइट। और क्या, आई नो एग्जैक्टली उसकी उस घर में क्या वो अर्थ है। उसकी भाभी ने उसे बगैर तनख्वाह का मुलाजिम बना के रखा हुआ है, पूरे घर की चाकरी करवाती, यहाँ उसके मजे थे। पर उसको रास नहीं आई ना इतनी इज्जत। आई वुड से के बस कर दो, अब ये इस रिलेशनशिप को खत्म कर दो। मैंने एक लॉयर से बात कर ली है, उसने पेपर्स भी रेडी कर लिए, बस तुम्हारे कॉन्सेंट का इंतजार था। आई सजेस्ट खत्म कर दो ये रिश्ता। अब ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। सलाम अलैकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। क्यों क्यों खत्म नहीं हो सकता? क्योंकि तुम बाप बनने वाले हो। क्या? एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ दादो, मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? मॉम ने भी नहीं बताया और जब आपसे फोन पे बात हुई आपने भी नहीं कुछ कहा। तो अब बता रही हूँ ना तुम्हें मैं। नायाब कहाँ है? मिल लेना, उससे भी मिल लेना, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। लुकमान, रजिया को भेजो यहाँ। जी दादी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करते, इसलिए मुझे भी समझ में नहीं आती कि मैं आपको किस तरह से यकीन दिलाऊं। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है नाया। आप एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लें, मुझे एक मौका दें कुछ कहने का। देखिए, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी को भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा खुश कि सबको खुश रख सकूं। नायाब, एक्चुअली मैं खुद बहुत दिल हो चुका हूं इन सब मसलों में। एक तरफ घर वाले ठीक लगते हैं और दूसरी तरफ तो मैं ठीक लगती हूँ आपको, फिर भी आप I'm sorry, Naya. मैंने गलत समझा। एक्चुअली अभी दादू ने मुझे बताया कि जमीला ने किस तरह तुम्हें यूज किया। मैंने तुम्हें वॉर्न भी किया था, लेकिन ऑनेस्टली तंग आ गया मैं इन घरेलू पॉलिटिक्स की वजह से। तो आप इस सब का हिस्सा नहीं बने। सिर्फ एक बार जाके सबके सामने कह दे कि मैं चोर नहीं हूं, ना ही पैसों की भूखी हूं। सब जान जाएंगे, लेकिन ये मसला इतना सिंपल नहीं है। You know, there's a deeper issue, और उसको सॉल्व करना है।
समझी ने आपकी बात। अच्छा छोड़ो, तुम्हारे लिए यही समझना काफी है कि मेरी नजरों में यू नॉट टू ब्लेम, तुम मुजरिम नहीं है। और हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए, इससे बेहतर क्या हो सकता है? और खास तौर पे ऐसे वक्त पे दादो बता रही थी प्रेग्नेंट।